बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता, पर इस कहावत को ग्लैमर इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने रियल लाइफ में प्रूव कर दिया है। यहाँ सितारों ने प्यार के लिए मजहब की दीवारों को तोड़ सामने वाले को अपनाया है और उनके लिए अपना धर्म भी हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं। नंबर एक, शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर को दिग्गज क्रिकेटर मंसूर अली पटौदी से प्यार हो गया था, जिससे उन्होंने शादी करने के लिए शर्मिला ने इस्लाम को कबूल किया, इसीलिए शादी के बाद इनका नाम आयशा बेगम हो गया। आपको बता दें, शर्मिला मंसूर अली पटौदी के तीन बच्चे सैफ अली खान, सबा, सोहा अली खान और इनका काफ़ी हंसता खेलता परिवार है। नंबर दो, धर्मेंद्र। अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्मेंद्र हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम को कबूला और अपने प्यार से शादी की। तभी से धर्मेंद्र के दो अलग अलग परिवार हैं, दोनों ही परिवारों को ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं। नंबर तीन, अमृता सिंह। एक्ट्रेस अमृता सिंह का जन्म सिख मुस्लिम फैमिली में हुआ था, पर अमृता बचपन से सिख धर्म को फॉलो करती थी, लेकिन फिर सैफ अली खान से शादी करने के लिए अमृता सिंह ने इस्लाम कबूल किया, इसीलिए इनकी इस्लामिक वेडिंग हुई जो दो बच्चों के बाद 13 साल पूरे होने के बाद तलाक लेकर ख़त्म कर दी गई। नंबर चार, आयशा टाकिया। फिल्म वांटेड से लाइमलाइट में आई आयशा टाकिया ने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी करने के लिए धर्म बदला। इन्होंने अपने प्यार की खातिर इस्लाम को अपनाया और आज ये अपने धर्म को छोड़ते हुए इस्लाम धर्म अपनाकर अपने पति और बेटे के साथ काफ़ी खुशहाल जिंदगी जीती है। नंबर पाँच, नगमा। बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा वैसे तो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखती थी, पर इसी बीच इनका रिश्ता एक ईसाई धर्म वाले लड़के से हो गया, जिसके साथ इन्होंने रहने के लिए ईसाई धर्म अपनाया, पर उनके साथ इनका रिश्ता जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन इन्हें ईसाई धर्म इतना अच्छा लगा कि उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और आज ही उसी को फॉलो करती है। नंबर छः, मोनिका बेदी। जानी मानी अभिनेत्री मोनिका बेदी ने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया था अपने प्रेमी अब्बू सलीम के लिए, जो कि बहुत ही मशहूर गैंगस्टर है, पर उनके प्यार में इतनी दीवानी थी कि उनके आगे उन्हें कोई नहीं दिखता था। और इन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा कि उनसे शादी करने के बाद इन्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, बल्कि इन्होंने तो उनके साथ रहने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अपने पार्टनर्स के लिए अपने धर्म को छोड़कर इन अभिनेत्रियों ने सही किया या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।